हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आकांक्षा और आज मैं फिर लेकर आ गई हूं एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि आज का होने वाला है वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंटरेस्टिंग। क्योंकि आज का जो वीडियो है वो मैं लेकर आई हूँ डांडिया पे। डांडिया पे आप कैसा लुक ट्राई कर सकते हैं, एक अच्छा सा ऑप्शन लेकर आई हूँ। यहाँ पर मैं वेयर करने वाली हूँ एक ब्लैक कलर का सूट विद प्लाजो, जिसको आप कैरी कर सकते हैं किसी भी डांडिया में। वैसे भी आज अभी तो डांडिया इवेंट ज़्यादा कहीं हो नहीं रहे हैं, लेकिन कॉलोनीज़ वगैरह में या फिर आपके अपार्टमेंट वगैरह में हो रहे हैं, तो आप इस तरीके का ड्रेसअप कर सकते हैं। एक सूट का ऑप्शन है जो कि मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पर सिंपल बेसिक मेकअप कर रही हूँ, हेयर स्टाइल कर रही हूँ और सूट का ड्रेसअप कर रही हूँ। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया हो तो फॉलो कर लीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम में बहुत एक्टिव रहती हूँ, पोस्ट और स्टोरीज डालती रहती हूँ, तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा आकांक्षा DEC16, तो फॉलो कर लीजिएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मैंने फेस को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है और ड्राई कर लिया है। अब यहाँ पर मैं अप्लाई करने वाली हूँ एलोवेरा जेल। को 1 से 2 मिनट तक रहने देंगे। जब ये एलोवेरा जेल अच्छी तरीके से ऑब्जर्व हो जाएगा आपके स्किन में, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे कोई भी कोल्ड क्रीम जो भी आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं निविया की कोल्ड क्रीम यूज़ करती हूँ, तो मैं उसको लगाऊंगी। अब मैं अप्लाई करूंगी कंसीलर। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर। यहाँ करने वाली हूँ मैं आई मेकअप। आई मेकअप के लिए मैं ये ब्लैक कलर लूंगी। आई मेकअप मेरा यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। मैंने एक ही शेड यहाँ पर अप्लाई किया, उसके बाद यहाँ पर मैं लाइनर यूज़ कर रही हूँ काजल पेंसिल की हेल्प से। तो इसी काजल पेंसिल से मैंने लाइनर भी यूज़ किया है और काजल भी लगाने वाली हूँ। बहुत सिंपल मेकअप किया है मैंने, सिर्फ कंसीलर लगाया है और कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया है, थोड़ा सा आई मेकअप किया है। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया लाइनर यहाँ पे और मैं अब काजल लगाऊंगी। सेम काजल पेंसिल यूज़ करूँगी काजल के लिए भी।
नोज पे मेरी काजल लग गया था, तो पहले इसको भी रिमूव करूंगी। काजल लगाने के बाद और कुछ नहीं, फिर यहाँ पर मैंने कंटूरिंग की है और ब्लश कर लिया है और हाइलाइटर यहाँ अप्लाई कर लिया अपने चेक बोन पे और थोड़ा सा नोज पे। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया लाइनर यहाँ पे और मैं अब काजल लगाऊंगी। सेम काजल पेंसिल यूज़ करूँगी काजल के लिए भी। और यहाँ पर मैंने लिपस्टिक अप्लाई कर लिया। ये ड्रेस तो मैं अभी आपको मिलती हूँ ड्रेसअप के बाद। और ये है मेरी ड्रेस, इसके साथ मैंने प्लाजो ब्लैक कलर का डाला था। कैमरे में अच्छे तरीके से दिख नहीं रहा था तो वही दिखाने की कोशिश कर रही थी कि हाँ पूरा दिख रहा है कि नहीं। तो ये मेरे ब्लैक कलर का सूट प्लाजो और ब्लैक चुनरी ली है, तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन था ये डांडिया के लिए। मतलब सूट पहन के भी एक बंजारा लुक मुझे क्रिएट करना था क्योंकि डांडिया लुक के लिए परफेक्ट होना चाहिए। तो ये आइडिया अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक सूट भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है डांडिया के लिए, लहंगा और साड़ी तो होते ही, बट ये सूट मैंने क्रिएट करने की कोशिश की कि आप ऐसा भी कुछ ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर बिंदी अप्लाई की। पहले मैंने बाल ओपन किया हुआ था, फिर मुझे सही नहीं लगा तो फिर मैंने एक सिंपल सा बन बना लिया था लास्ट में। तो ये और ये मैंने ईयर रिंग यहाँ पर अप्लाई की। पहले मैंने एक नेकलेस भी लिया था सिंपल सा, बट ईयर रिंग बड़े होने के कारण मुझे सही नहीं लग रहा था तो फिर मैंने उसको हटा दिया। तो ये है ईयर रिंग और एक रिंग पहनने वाली हूँ और दैट्स इट, और मेरा लुक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है रिंग, ये रिंग पहनने वाली हूँ मैं यहाँ पे। और ये मैंने कुछ बैंगल्स भी डाल लिए। तो या ज्वेलरी में मैं सिर्फ ईयर रिंग रिंग और ये बैंगल्स डाला है। एक्लेयर की कुछ थ्री बिंदी मैंने यहाँ पर लगाई है चिन पे और आइज़ के दोनों साइड पे, अगर आपने नोटिस किया होगा, और बिंदी के नीचे भी
एक छोटी सी बिंदी लगाई है, तो लाइक एक बंजारा लुक क्रिएट करने की कोशिश की है। तो या ये है मेरा आई मेकअप, और या बस हो गया, मेरा ये रहा मेरा कंप्लीट लुक। मैं आपको पूरा दिखा भी देती हूँ, तो आपको मेरा ये मेकअप कैसा लगा, सिंपल बेसिक मेकअप। ये इसके साथ मैंने ये उसमें ज्वेलरीज डाल ली थी, और बस मैं आपको पूरा वर्क कंप्लीट लुक दिखा देती हूँ। तो ये है मेरा कंप्लीट लुक। तो आई होप गाइस आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। इसका ऑप्शन अच्छा लगे तो ज़रूर ट्राई करिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ये लुक आपको कैसा लगा। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, बाय बाय।